अगर हमको कुछ दोस्तों होगा तो बस इसकी जिम्मेदारी मेरे पति होंगे और कोई नहीं, क्योंकि ये सब लिखित हुआ है थाने से भी और जगह से, और जहाँ तक उम्मीद है वो हमको मार ही मारेंगे कि नहीं मारेंगे ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन तो इतना वो पता चल गया कि हमारे पति हमको मारना चाहते हैं जान से, फिर दूसरी शादी करेंगे। दोस्तों मालती चौहान अब हम सबके बीच नहीं रही, अब पंच तत्वों में मिलीन हो गई है, भगवान के पास वो चली गई। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मालती चौहान की आत्मा को शांति प्रदान करे और मालती चौहान के बेटे को जिंदगी में हर वो खुशी दे कि जिसका वो हकदार है, और मालती चौहान की कातिल को, मुजरिम को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको यहाँ पे कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ कि मालती चौहान को विष्णु चौहान ही मारा है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी सबूत के साथ। मैंने कई ऐसे वीडियो देखा दोस्तों, और जो विष्णु चौहान यहाँ पे बोल रहा है, एक लास्ट विष्णु चौहान फन, मिस्टर विष्णु चौहान फन पे लास्ट वीडियो विष्णु चौहान ने 2 दिन पहले अपलोड किया, इसमें बोल रहा है कि हमारा समझौता हो गया मालती चौहान के साथ। विष्णु चौहान की बात करने की लहजा और प्लस इस तरीके से विष्णु चौहान जो है मालती चौहान यानी अपनी पत्नी को इस तरीके से वो भीतर मार मार रहा था कि लोगों को पता ना चले, और 1 महीने से वो प्लानिंग बना रहा था मालती चौहान को रास्ते से हटाने के लिए और राधिका को घर में बैठाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मालती चौहान की स्टूडियो में जाके मालती चौहान का पोस्टर फाड़ना, मालती चौहान का नाम को टेप से चिपकाना, मतलब सच में बहुत ही दिल दहला देने वाला, मतलब वो लग रहा है जिस हिसाब से वो बोल रहा था और जिसमें वो बोल रहा है कि मैं मालती चौहान के साथ समझौता कर लिया हूँ, और समझौता आप सुन के ना आपको भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ, ये 99% जो है मालती चौहान की हत्या हुई है, मर्डर हुई है, मालती चौहान को मारा गया है, अगर नहीं भी मारा है ना तो उसको उकसाया गया है मरने के ऊपर। मैं 99% कर सकती हूँ, मालती चौहान खुद से ख़त्म नहीं कर सकती है अपने आप को, मैं आपको दावा से कर रही हूँ। अगर पुलिस प्रशासन सही से छानबीन करेगा बिना पैसे लिए, अपना ईमानदारी से अगर छानबीन करेगा तो विष्णु चौहान ही दोषी आएगा। विष्णु चौहान क्या बोलता है कि मालती चौहान से क्या क्या शर्तें रखवाया, वो अपनी शर्त बोलता था कि मालती चौहान मेरे इजाजत के बिना किसी से बात नहीं करेगी, किसी के साथ काम नहीं करेगी, अगर किसी के साथ अगर मैंने देख लिया किसी के साथ वीडियो बनाते हुए तो उसको मैं डिवोर्स दे दूँ। उसको मैं डिवोर्स दे दूंगा, इस तरीके की धमकी दे रहा था। और यहाँ तक कि वो क्या बोल रहा है विष्णु चौहान कि मैं आजाद हूँ, मैं किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ, मेरे ऊपर मालती नाम की जो वायरस है उसका कोई प्रभाव नहीं है, मैं उससे छुटकारा हो चुका हूँ, मैं सिर्फ समझौता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेटा मेरे पास रहे। सिर्फ इस बंदे को इतना पैसे की लत थी, बस उसे मालती चौहान से प्यार नहीं था, मालती चौहान के वजह से उसका जो 6 मिलियन वाला जो चैनल है विष्णु, मिस्टर विष्णु चौहान फन, मालती के वजह से ही उसका चैनल यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद उसे अपने ऊपर गरूड़ होने लगा। मालती जो है कितना बार विष्णु चौहान से अपने पति से माफ़ी मांगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और मालती चौहान बोल रही है कि वो मुझे ड्रामा किया है, अबीर से शादी हुआ, ये कोई शादी नहीं है, अबीर से शादी करवाया है। इस तरीके से महीनों दिन से मालती चौहान को रास्ते से हटाने के लिए वो ड्रामा क्रिएट कर रहा था, मतलब प्लानिंग बना रहा था, ड्रामा नहीं वो प्लानिंग बना रहा था। इसी तरीके से जो ममता चौहान का जो केस है, ममता चौहान
होने वाली विष्णु चौहान के छोटे भाई महादेव का होने वाला पत्नी थी। मतलब विष्णु चौहान के घर में औरतों को कोई इज्जत नहीं है। अगर वो अपने हक के लिए अगर दो लफ्ज कुछ बोल दिया तो उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। विष्णु चौहान की ये सच्चाई है, ये औकात है कि उसे सिर्फ पैसा चाहिए और बस औरतों को पैरों तले मिसल के रखता है, दबा के रखने वाला वो घर है। और यो बोल लिखा हुआ है ना कि आप सभी को YouTube हाउस में स्वागत है, तो ये YouTube हाउस कम ये मर्डर हाउस दिख रहा है जहाँ पे औरतें अपनी हक के लिए, मालती चौहान क्या बोली थी लास्ट वीडियो में कि मैं जा रहा हूँ, वो मुझे मारे पीटे जैसे भी रखे, किसी के हवाले कर दे, मैं उसी का अपने पति के पास रहूँगी और मैंने ससुराल का घर मैंने खुद के पैसे से बनाया है तो उस पर मुझे पूरा हक है। ये जो हक के बात बोलने लगी ना मालती चौहान, वो विष्णु चौहान को चुभने लगा, बातें उसको बर्दाश्त नहीं हुई। और आप खुद सोचिए, कोई भी औरत, कोई भी लड़की जो सालों से, 2-3 साल से लगातार कंटिन्यू, मतलब यूट्यूब पे काम कर रही है, यूट्यूब पे काम करे या कोई भी इंडस्ट्री में काम करे, उसका उसी से वजूद बना है। मालती चौहान की वजूद यूट्यूब से बना है। अपनी एक्टिंग दिखाती थी, अपनी डांस दिखाती थी, अब यूट्यूब से ही उसका पहचान मिला है मालती चौहान को। कोई फेमस या अमीर खानदान की बेटी नहीं थी, गरीब घर की बेटी थी, जमीन से उठ के यहाँ तक पहुँची थी। और जब उसे लगा कि यूट्यूब के वजह से उसको पहचान मिला, तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई बोलेगा आपका पहचान यूट्यूब से हुआ या कोई भी इंडस्ट्री से हुआ, अगर कोई बोलेगा कि उसको रातों रात छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ पाओगे? और इस तरीके की जो शर्तें रखा था कि मैं जिससे चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ, कोई भी कलाकार के साथ मैं काम कर सकता था। विष्णु चौहान बोलता था कि मैं आज़ाद हूँ, मालती चौहान नाम के वायरस से मेरे ऊपर इसका कोई बातें नहीं चलेगी, कोई हक नहीं है, मैं आज़ाद हूँ। यहाँ पे आप पॉइंट नोट करिए कि जब मालती चौहान को विष्णु चौहान के ऊपर कोई हक नहीं है, विष्णु चौहान अपनी मन मर्जी से जिसके साथ चाहे उसके साथ वो काम करे, तो मालती चौहान के ऊपर विष्णु चौहान को कैसे हक हो सकता है? विष्णु चौहान ने बोला कि मैं चाहूँगा कि मालती इसके साथ काम करेगी तो करेगी, अगर मेरे बिना, मेरे इजाज़त के बिना अगर वो किसी के साथ वो काम कर लिया तो उसको मैं डिवोर्स दे दूँगा। इस तरीके की वो धमकी दे रहा था। प्लस एक और वीडियो में यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि एक वीडियो में वो बोल रहा है, मालती चौहान बोल रही है कि मेरी शादी जो है अबीर से हुई है और मेरे साथ ना अर्जुन है ना ही कोई है, मेरा इज्जत को लीलाम कर दिया है, तार तार कर दिया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ गलती नहीं किया। पब्लिक जो है थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी, कि जिसको भाई माना उसके साथ उसने शादी किया, मगर विष्णु चौहान को एक प्री प्लानिंग थी कि मालती चौहान को पब्लिक के नज़रों से किस तरीके से गिराया जाए। वो इतना जलने लगा था मालती से, मालती विष्णु को लग रहा था कि मेरे वजह से ही मालती के वजह से ही मेरा पहचान हुआ है, लोग मेरे वजह से ही विष्णु चौहान को यानी मेरे को पहचान मिली है, तो मालती चौहान को गिराने में, मालती चौहान की इज्जत को तार तार करने में वो बंदा कोई कसर नहीं छोड़ा। विष्णु चौहान अपनी पत्नी को, इज्जत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा और इतना बड़ा समझौता कि मेरे ऊपर मालती का कोई हक नहीं है और मैं चाहूँगा जिसके साथ वो मालती काम कर सकती है, मेरी इजाज़त के बिना अगर मालती किसी के साथ भी एक वीडियो भी बना लिया तो मैं इसको तलाक दे दूँगा, क्योंकि डिवोर्स का फाइल जो है सब कुछ हो चुका है और बस जहाँ मेरे विरुद्ध, अगर मेरे हिसाब से वो मालती नहीं चली तो मैं मालती को
तलाक दे दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा, इस तरीके की वो धमकी दे रहा था। घर लाने के बाद वो दे रहा था। अब खुद सोचिए कि जो 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 लड़की को या लड़का को YouTube के वजह से या कोई भी इंडस्ट्री की वजह से पहचान मिली है, उसको कैसे छोड़ सकता है, कैसे छोड़ सकती है, छोड़ सकती है? मेरे ख्याल से तो रातों रात नहीं, उसको छोड़ने में वो एक तरह से लत लग जाती है। कोई भी लत होता है ना, उसको धीरे धीरे छोड़ाया जाता है। विष्णु चौहान जो है एक महीने से प्री प्लानिंग कर रहा था मालती चौहान को जान से मारने की। वो पहले नंबर पब्लिक की नज़रों से गिराने की कोशिश किया, उसके बाद उसको रास्ते से हटाने के लिए, किस लिए? राधिका से शादी करने के लिए। और कान खोल के सुन लो, एक दो लड़की है जो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर इस तरीके से बदनाम कर रही है कि गोरखपुरिया भौजी ही मालती चौहान और विष्णु चौहान को अलग करने में इसका हाथ है, तो शर्म कर ले, चुल्लू भर पानी में डूब मर। मैं तुम दोनों का तो नाम नहीं जानती हूँ। मैं कल मालती चौहान का जब अंतिम संस्कार हो रहा था ना, तो वो वीडियो जब मैंने देखा तो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर एक से बढ़ के एक एलिगेशन लगा रही थी कि गोरखपुरिया भौजी ही विष्णु चौहान और मालती चौहान को अलग किया है, और मालती चौहान को मरने में गोरखपुरिया भौजी के हाथ है। चुल्लू भर पानी में डूब मर, दोनों बहन है कि क्या सौतन है कि तू क्या है? मैं तो तेरे बारे में इतना नहीं जानती हूँ, मगर शर्म कर ले। अगर तुझे थोड़ी भी शर्म है ना, तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मर। मतलब गोरखपुरिया भौजी जो है मालती चौहान को मदद कर रही है, उस जाल से निकालने की कोशिश कर रही थी, और तू गोरखपुरिया भौजी के ऊपर ही इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है। ये बंदी जो है, ये जो भी है, दो महिला है, दो लड़की है। अब विष्णु चौहान को कौन लगती है, विष्णु चौहान के साथ इसका क्या है, क्या चल रहा है, इतना मुझे नहीं पता। मगर तुझे अगर थोड़ा भी तनिक भी अगर शर्म है कि एक महिला चली गई है, उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, और जिस हिसाब से जो गरज गरज के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ना, लगता है कि प्री प्लानिंग ये सबका हाथ है। बस मैं प्रशासन से यही गुहार करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि CBI जांच हो, कड़ाई से जांच हो, और मालती चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा संदिग्ध है, विष्णु चौहान को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में कितना मालती चौहान इसी तरीके से लापता हो जाएगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मालती चौहान तो फेमस यूट्यूबर थी, लोग जान गए, मगर बहुत सारे घर में ऐसी शोषण होती है महिलाओं के साथ, इतना गंदा घटिया उसके प्रति विरोध किया जाता है घर में, कि उसको पैरों तले ज़मीन पे एकदम दबा के रखने की कोशिश किया जाता है। तो बस मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, गुहार करती हूँ कि मालती चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए। मालती चौहान खुद से खुद सुसाइड नहीं किया, वो मर्डर है, उसे मारा गया है। दोस्तों अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और विष्णु चौहान मालती चौहान के पीछे पूरा 100% इसका हाथ है, उसी ने मारा है। जिस हिसाब से वो दबा दबा के बातें को धिपा धिपा के बोल रहा था विष्णु मालती चौहान, कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि अगर मैं पति के साथ चलूंगी तो मैं ठीक हूँ, अगर थोड़ा भी अगर मैं विरुद्ध चल गई, यानी उसको कैद खाना में बंद करके रखने की कोशिश कर रहा था। कैद का नहीं है, ये बोल रहा था कि मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मालती नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से इसको मानसिक रूप के से इसको प्रताड़ित किया जा रहा था। एक महीने से प्लानिंग किया, पहले शादी करवाया, फिर इसकी इज्जत को तार तार किया, इसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया, उसके बाद लास्ट में मालती चौहान को रास्ते से हटा दिया। तो बस उस बंदे को विष्णु चौहान को कड़ी सजा मिलना चाहिए। वो नॉर्मल बंदा नहीं है, वो नॉर्मल दो दो केस हत्या का मर्डर का हो चुका है इसके घर से, एक ममता चौहान के, एक मालती चौहान के। तो उस घर को अच्छे से जांच पड़ताल होना चाहिए, बस यही। और आप सबकी अगर सपोर्ट रही तभी मालती चौहान को इंसाफ मिल सकता है। दोस्तों अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मुझे ये वीडियो बनाकर दूसरे को दिलों का ठेस पहुँचाना नहीं है, आप सभी को दिलों में दुख पहुँचाना नहीं है, बस मैं आप सभी से सच्चाई जो है मैं आप सबके सामने रख रही हूँ, और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बस जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।